नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन प्रथम पारी में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये कुछ प्रश्न हमें विद्यार्थियों से पता लगे हैं, तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और इसी के साथ 20 अक्टूबर की तीनों पारियों में जो प्रश्न जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। लगभग इसमें 50 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं या आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो आज के एक प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। जेल प्रहरी 21 अक्टूबर प्रथम पारी में जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है, तो इसी का नाम एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न आप देखिए, ओपी कोहली कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? तो यहाँ पर गुजरात इसका सही उत्तर रहेगा। और कल भी 20 अक्टूबर के पेपर में मणिपुर के राज्यपाल या मुख्यमंत्री से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से प्रश्न एग्ज़ाम में बन रहे हैं, तो इनको आप तैयार कीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं टॉपिक्स आप कुछ टॉपिक्स के नाम मैं बताना चाहूँगा जिनसे प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं। जैसे लोक देवता का टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन बन रहा है और आगे भी बनते रहेंगे। इसी तरह से मुख्यमंत्री राज्यपाल से, राजस्थान की जनसंख्या से, तो इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। कुछ टॉपिक्स आप पेपर देखिए, आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, ओपी कोहली कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? गुजरात। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो कि आबानेरी दौसा में ये चांद बावड़ी स्थित है। कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चारनोक ने कोलकाता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आप देखिए, लुका मॉड्रिक एक खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो क्रोएशिया की ये खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, राजस्थान में लगभग समान क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा, भरतपुर। अगला प्रश्न आप देखिए, जोधपुर में सर्वाधिक शासन किस शासक ने किया था? ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोनों। तो जोधपुर में सर्वाधिक शासन किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न आप देखिए, मुकंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो ये कोटा और झालावाड़ के मध्य ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ है? केवलादेव, जो कि भरतपुर में है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो 24 जून 1978 को राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। और जिन विद्यार्थियों का भी आज पेपर था, प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताएं आपके पेपर में इनके अलावा और भी कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ताकि सभी विद्यार्थियों को जो प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल सके। जो प्रश्न कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं विद्यार्थियों से, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप भी प्लीज़ इनके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट करके आप ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। PM नरेंद्र मोदी के पिताजी का क्या नाम था? ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया, तो आंसर आप देखिए, दामोदर दास मूलचंद मोदी। एक प्रश्न कैलेंडर से संबंधित पूछा गया, 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? तो गुरुवार था, इसका आंसर गुरुवार रहेगा। और एक प्रश्न क्लॉक से भी पूछा गया है, घड़ी में 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका आंसर होगा 105 डिग्री। इसी के साथ अगला प्रश्न आप देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम पूछा है, अमरिंदर सिंह। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से संबंधित आपको अगले एग्ज़ाम में भी, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनमें देखने को मिलेंगे। तो सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आगे भी। अगला प्रश्न आप देखिए, ODI क्रिकेट में सर्वाधिक रन किस टीम ने बनाया? तो इंग्लैंड इसका सही उत्तर होगा। एशिया कप 2018 किस देश में आयोजित हुआ? तो UAE में ये आयोजित हुआ था। और उसके बाद मैथ्स से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए, तो टॉपिक्स के नाम यहाँ आप देख सकते हैं, साधारण ब्याज, एज, आयु से संबंधित, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो अनुपात, और इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज और नंबर सिस्टम से भी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिले हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करके जाएं।
अगला प्रश्न आप देखिए, किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? तो गोगा जी। हाँ, और ये एक टॉपिक और महत्वपूर्ण है, लोक देवताओं से संबंधित कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगला, बाई का तालाब जो कि बांसवाड़ा में है, रेण क्या है? राम स्नेह संप्रदाय की एक पीठ है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है बीच की कड़ी का कार्य। वीर तेजाजी का मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया होता है? तो परबतसर। और कल भी इस तरह लोक देवताओं संबंधित एक प्रश्न पूछा था, जिसमें वीर तेजाजी का जन्म का स्थान जो कि खरनाल नागौर है, तो लोक देवता से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप देखिए, 95 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या है? तो ये ऑप्शन में इस तरह से था, शुष्क एवं अर्ध शुष्क में विभाजित करती है दो भागों में। अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन अक्रिय गैस होगी। चंबल नदी से संबंधित कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न पूछा है, उसके ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब कथन निष्कर्ष से संबंधित किस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे चंबल की लंबाई पूछली कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार से कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जोधपुर को खालसा कब घोषित किया? तो 1668 से 81 तक ये खालसा घोषित रहा, इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। मच्छर किस प्रजाति का है? तो आर्थ्रोपोडा प्रजाति से इसका संबंध है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कालीबंगा किस दिशा में है? तो ये पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये आज के प्रश्न जो हमें विद्यार्थियों से मिले हैं, और आप में से किसी विद्यार्थी का अगर पेपर था तो प्लीज़ इनके अलावा जो भी प्रश्न आप एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और कुछ टॉपिक्स जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, जैसे करंट अफेयर्स से संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जनसंख्या, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से तैयार करें, आगे के एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हमें मिलते हैं, चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से 15 और 20 अक्टूबर का पेपर, तीनों पारियों के प्रश्न आप चैनल को विज़िट करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।